क्योंकि ये जो मोड़ जगह मतान दिखा रहे हो जटे ट्रैक्टर गिरे है वो बिल्कुल घुमावड़े है, एकदम से घुमोड़े है और कचरे जगह पड़े है ट्रैक्टर को और आ दीवार है जगह टूटी हुई आप नजर आ रही है खटना खटा सामने ट्रैक्टर आतो आतो ये दीवार से टकराए है 50 फुट दूर जिको यो खड्डो यो खाई एक अंदर जार गिरो है। ट्रोली तो इजा पड़ी है और ट्रैक्टर है जिको बठीन पड़े है वो भी दूर पड़े है तकरीबन भी जो 100 फुट की दूरी ट्रैक्टर का नजदीक जगह आ जावा और ट्रैक्टर जिको मुंडो ओढ़ो पड़े है। मालिकों का कर्म ही है और मालिकों को आशीर्वाद ही बने बाको पर क्या आता लोगा की जान जगह बच गई। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। मेरा नाम शफीक है, जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहा हूँ। थारो पहली चोड़ तो रिक्वेस्ट आ कर रहा हूँ कि थारी सेफ्टी को बहुत बहुत घनो घनो थे ध्यान रखो क्योंकि आज दिन जगह ऐसी दुर्घटना जगह अपना सामना आया है और भाई दुर्घटना जगह काल हर्ष पर्वत पर दोबारा घटी है। थोड़े दिन पहले एक मोटरसाइकिल जगह नीचे गिरी ही जगह अंदर दो एक युवक जी को घायल हुआ और एक युवती जगह भी अंदर घायल हुई है। भाई चीज है कि हर्ष पर्वत को पर दोबारा जगह ऐसी घटना घटी है। एक पूरे को पूरे ट्रैक्टर श्रद्धालुओं भरेड़ो जो 24 कोसीय परिक्रमा जो चल रही है बी के अंतर्गत ही जगह दर्शन करवा के लिए हर्षनाथ पाया है बाको भरेड़ो ट्रैक्टर है जिको नीचे गिरे है क्योंकि ये जो मोड़ जगह मतान दिखा रहे हो जटे ट्रैक्टर गिरे है वो बिल्कुल घुमावड़े है एकदम से घुमोड़े है। मतलब ये बारिश के अंदर रोड भी थोड़ी की स्लिपरी हो जाया करे ब्रेक मारा ट्रैक्टर जिको भारी साधन होया करे और ट्रैक्टर को ब्रेक अति जल्दी लागे भी को नहीं तो बा बात है कह ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ही चलाओ जी तो थारो ज्यादा तो और कौन समझा सके हमारा ट्रैक्टर चलाओ ट्रैक की चलाओ सभी चलाओ हां तो हम ब्रेक बहुत कम लगा है ट्रैक्टर को ब्रेक है नहीं सको मान लो इस हरदार बने हुआ है गाड़ी का रोटीज ब्रेक भी आया है और सीधा सद ब्रेक भी आया लेदर हुआ है एकदम कंप्लीट बने रहा है ट्रैक्टर का खेती के हिसाब बने रहा है रोड पर चलने को बने रहा है। हां अबे ये घटा है मसला है मैं घटा है मतलब डाल को काम है बस मेरा मोड है ट्रैक्टर देखे होगे नीचे गिरूड़ा भी पड़ी हुआ है ट्रैक्टर देखे ऊपर आए हुआ जाते समय सीधा उड़ गया ट्रैक्टर और थोड़ा सूत के थे ट्रैक्टर चालक हो तो बढ़िया तरीका वो आकलन कर सको हो तो थोड़ी जानकारी दर्शकों में मिल जाएगी और मारन भी मिल जाएगी और थारो अनुभव है जिको लोगों का काम भी आ जाओगा। जो मोड़ में थाने बता रहे हो कत्तो घुमावदार है जिको थे खुद विजुअल्स के अंदर देख पाओगा कि यो मोड़ पूरो को पूरा घूम रहा है पूरे को पूरा मोड़ जिको घूम रहा है यू बन सके हाथी नु दिखाओ तो यू मोड़ बोल सको थे यानी कि यू की शेप जिको पूरा ले रहे है और एक बाद में जिको सामने तुम्हारा देखोगा तो सामने चढ़ाई डनाड़ है जो की खूब ज्यादा है क्यों बठू जिको उतर तो जिको ट्रैक्टर आवे और जी मैं थाने बताया हूँ कि ट्रैक्टर को ब्रेक जिको बहुत कम लागे है तो सामने आते जिको ई साबू अलग की तरफ आ थोड़ी दीवार टूटी अपना दिखे है और ऐसा आठ जगह पूरा कचरे जिको पड़े होते नीचे दिखाओ और कचरे जिको पड़े है ट्रैक्टर को और आ दीवार है जगह टूटी हुई अपना नजर आ रही है खटना खटा सामने ट्रैक्टर आतो आतो ये दीवार से टकराए है और अनियंत्रित होर जिको अठे पड़ी है अठे नहीं गिरो अठे नहीं डटो है अनियंत्रित होर जिको आगे जातो 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 तकरीबन तकरीबन 50 फुट दूर जठो मैं थाने दिखाया हूं बा दीवारू 50 फुट दूर जिको यो खड्डो यो खाई एक अंदर जार गिरो है इस थे समझ सको के स्पीड रही होगी और कति स्पीड में आ रहे जो दीवार टकराए हर भी के बाद में नियंत्रण नहीं हो पाया और भी के बाद जो ठीक जा रहे जो गिरे है अभी का माए भी देखो थे और ज्यादा चक्कर भारी हो पड़ रहे है ट्रोली जगी जा पड़ी है ट्रोली तो इजा पड़ी है और ट्रैक्टर है जिको बठीन पड़े है वो भी दूर पड़े है तकरीबन भी जो 100 फुट की दूरी 100 फुट की दूरी तो आराम हुआ है और ट्रैक्टर और ट्रोली के बीच का मान भी जगह दूरी है जकी भी आराम हो 30 फुट की दूरी दोनों के बीच में आराम है यो तो टायर पड़े है जा एक टायर जो आग लो पहियो जिन्हें कहा आप ट्रैक्टर को छोटनियो पहियो यो छोटनियो पहियो पड़े है जा और बका बाद में जिको अंदर जो ट्रैक्टर का अंदर जिया मैं थाने बताया श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर हो तो श्रद्धालुओं का जो बैनर पोस्टर जगह लागे है बे इजा पड़ा ही और आग ऊपर जो नाम वगैरह लिखा पड़ा चप्पल जी की थे दिखाओ चप्पल श्रद्धालुओं की इजा पड़ी है आज चप्पल जी की पड़ी है पूरी की पूरी जोड़ी पड़ी है इजा और एक चप्पल जगह इजा पड़ी है और यो कोई ट्रैक्टर को सामान से ऊपर लाग रहा है जनरेटर पड़े है और आगे जगह दरी जगह पर श्रद्धालु बैठा कराए क्योंकि यहाँ की यात्रा के अंदर अक्सर देखा श्रद्धालु पूरी गाड़ी जगह भरी रहे और बाक अंदर दरी दुरु बिछार जगह बैठे रहे पंखों भी जगह इजा पड़े है और पंखा की जाली जगह आगे पड़ी आपने लिखी है जटे बा दीवार टकराए है और आगे है जो छोटो सा मंदिर जो बना रखा है वो मंदिर भी जगह पड़े है और पूरा मंदिर है जिको जो लकड़ी को जो मंदिर को स्ट्रक्चर हुआ है
वो है टोली जी गेंदी हुई पड़ी है बठिन वापा देखा तो टायर टूर अपना बठिन दी अठिन जो ट्रैक्टर पड़े है बीजा माया हूँ यो जो ट्रैक्टर को साइलेंसर है वो ईजा पड़े है आ लाइट पड़ी है और बकरे बाद का मान जगह आप ट्रैक्टर का नजदीक जगह आ जाओ और ट्रैक्टर जी को मुंडो ओढ़ो पड़े है मुंडो ओढ़ो पड़े है यू देख तो आ लागे के मालिक जी को आप रो कर्म ही करे है क्योंकि 16 जना वो एक ही जान गई भाभी दुख दे गई जकी लेकिन 15 लोग जगह अति खतरनाक तरीका ट्रैक्टर बचे बिक बाद में सुरक्षित है छोटी मोटी चोट आई है और कई का थोड़ी सी गंभीर चोट आई है लेकिन ये स्थिति में देख तो आ लागे कि जी साहब जो गिरे है मालिकों को कर्म ही हुआ है और मालिकों को आशीर्वाद ही बने बाबा को पर क्या लोग जान जी की बचगी खाई तो देख लो बाबजा रोड है बीस तकरीबन 30 फुट नीचे देखो ट्रैक्टर गिरे पड़े है अगर आप अभी साहब देखा 30 फुट नीचे है और आके यो तो ये रही यो जो खाई है जबकि एकदम से यहाँ ढारवा को नहीं थोड़ा सो के एक नीचे सरफेस है जी वजह बहुत ज्यादा नीचे हो गए को घटना और ज्यादा गंभीर और ज्यादा दुखदायी हो सकती लेकिन भाई बात है कि धर्म कर्म का काम के लिए लोग आए रहा है खटना खड़ा मालिक को आशीर्वाद जो को काम आयो है भाई साहब ट्रैक्टर चलाओ होते भी बैठाओ ट्रैक्टर जिगो अनियंत्रित और जिगो अठत गयो है और ये ट्रैक्टर की हालत देख करके लाग रहे हो हालत देख कर तो लाग रहे भगवान का एक आदमी भोगे फिर भी बच सकेगी हालत देख के तो लागे कौन ठीक है भगवान की दया है जब इतनी दूर में रह गई नहीं तो फिर नीचे खाई भी बहुत दूंगी नहीं और भी जा सकता है ट्रोली जा पड़ी है ट्रैक्टर भी जा पड़े है अति दूर 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 तो हुक्मों के लिए निकल गए ट्रैक्टर आगे और ट्रोली पे स्पीड कितनी हो सके जहाँ ट्रैक्टर चलाओ तो आई है तो कितनी की स्पीड हो सके आकलन ट्रैक्टर चालू को थे भी कम से कम स्पीड 50 की स्पीड तो नॉर्मल है ही नहीं वो बाकी और ज्यादा स्पीड होती तो और नीचे जाता ट्रैक्टर की 50 की स्पीड बहुत है साहब 50 की स्पीड और पूरा एक्सीलेटर दे के भगवान तो 40 की स्पीड भागे ऊपर जावा 50 की स्पीड भागे भी कौन यो 50 पकड़ लियो क्योंकि दरवा रोड है नारारी है भी दरवा 50 पकड़ लियो और बोले 50 ड्राइवर गए देखो ट्रैक्टर जो भारी भरकम हुआ है और भी नमूना अपना करना पत्थर है जगह चट्टाना भी जगह उखड़ी जा दिख रही है और ये पेड़ है पौधो जिनका सका आप ये पौधो जिको जिको बांको टेडो हेड़ो पड़े है और पूरे जो ये घसेड़ो सो आप ये जठो ट्रैक्टर घस नीचे गए है बिल्कुल पलटी खा रही गए हो क्योंकि इतनी स्पीड में गए तो पलटी खा रहे जिको गए है और ये मोड़ है जगह इजा सामने जो गए ट्रैक्टर गिरो है ये जगह मिल पाई है कि ये ट्रैक्टर जो हादसों हादसों के ऊपर हुए है ट्रैक्टर गिरबा की वजह 16 लोग भी ट्रैक्टर के अंदर सवार है 15 जो है जगह सुरक्षित है एक ही मौत हो गई है जयपुर ग्रामीण रघुनाथपुरा का सीताराम जी है सीताराम जी का नाम है 35 साल की बाकी उम्र है मौका के ऊपर है जगह काल हादसा है बाद में घायला ने जगह अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया सीकर के अस्पताल के अंदर जिनमें चुटपुट जाकर चोट आई बांध तुरंत जी को डिस्चार्ज कर दिए गए और जाकर गंभीर चोट आई बांध थोड़ी देर के लिए रखे गए अभी तक भी क्यों जगह एडमिट है लेकिन मौका के ऊपर जबकि मौत हुई सीताराम जी बा को शरीर पोस्टमार्टम के बाद जगह घर का सौंप दिए गए है परिक्रमा जगह चल रही है आप निवेदन यही है के साधन बे ले रहा हो जो आपकी सुरक्षा जगह बेहतर तरीका हो सके मोटरसाइकिल ना हो सके बट तक अवॉइड करो फिर भी थे ले रहा रहे हो तो हेलमेट लगा रहा हो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ना कृपया कर अवॉइड करने की कोशिश करो क्योंकि आ रोड है जगह बारिश की वजह से होगी नमी एक अंदर आ गई ट्रैक्टर का ब्रेक जगह तक जोर का कोने आ गया आप आपने ट्रैक्टर चालक भाई सारा समझे भी है आप प्यार जी को चैनल के साथ बनाए रख जो थारी सुरक्षा को पूरा ध्यान रख जो बहुत बहुत आभार।